लोग बकेट उठा उठा जाए के चप्पा कल से पानी लेके आते हैं, लोग पीने के लिए भी और नहाने के लिए भी। इसको लेकर सर बताइए, पानी का बिजली का दिक्कत है, जब से आए तब से बिजली नहीं आता है, सब चीज पीने के लिए भी पानी नहीं आता। पानी लगा हम लोग पीते हैं, कभी कभी नहाने के लिए वहाँ से भी पानी लाते हैं, और खाना का तो खाना भी जैसे हम लोग को बोला गया था वो शॉर्ट लगता है, कभी कुछ पानी बना भी था लेकिन वो मतलब खराब है, मतलब सिस्टमेटिक तरीका से पानी जल्दी नहीं। मैं हूँ शिवम, अभी मौजूद है सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय मौजूद है, जहाँ एक पारा मेडिकल कॉलेज है, जीएनएम कॉलेज है, उसी कॉलेज में मौजूद है। तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो छात्राएं यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, इनके द्वारा साफ तौर पे कहना है कि जब से कॉलेज शुरू हुआ है ना आज तक यहाँ पानी का व्यवस्था हुआ है, ना ही बिजली का व्यवस्था हुआ है, और ना ही खाना का जो सिस्टमेटिक व्यवस्था होता है वो भी हुआ है। तमाम जो छात्राएं उनसे पहले हम बात करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद क्या कुछ व्यवस्था हुआ है और क्या कुछ होना चाहिए इसको लेकर आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बताइए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे चल बनाया है, बताइए। यहाँ पे बिजली भी नहीं आती है, जिस दिन से आए हम लोग बिजली में डेली कुछ ना कुछ कमी आती है, और पानी तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ का सारा जो पानी का सिस्टम है सारा खराब है। हम लोग बकेट उठा उठा जा के चप्पा कल से पानी लेके आते हैं, लोग पीने के लिए भी और नहाने के लिए भी। इसको लेकर शिकायत अपने प्रधानाध्यापक से किए हुए लोग? हाँ, हम लोग किए हुए हैं। क्या हुआ? मेरा साक्षी सिंह। क्या समस्या है आप लोग बताइए? बिजली पानी मतलब क्या समस्या है, कितने दिनों से समस्या है? जब से हम लोग आए हैं तभी से हम लोग बकेट से जब अगर से पानी लाते हैं, बहुत बार शिकायत भी किए हमने उनसे, कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं हुआ। कितने दिन से क्लास चलता है? एक महीना हो, 25 बीच में घर भी गए थे हम लोग, एक महीना छुट्टी। बिजली पानी का दिक्कत है, फिर टीचर का भी क्लास में मतलब दो ही टीचर है, दो ही सभी सब चीज का यहाँ पे सिस्टमेटिक खराबी है। टीचर तो है। क्या समस्या बताइए? पानी का बिजली का दिक्कत है, जब से आए तब से बिजली नहीं आता है, सब चीज पीने के लिए भी पानी नहीं है, पीने के पानी जितना रहना चाहिए उतना नहीं रहता है, जितना रहना चाहिए उतना बिजली नहीं रहता है। क्या समस्या बताइए? तो यहाँ पे लगभग से बिजली आती है, कभी प्रॉब्लम बिजली में भी प्रॉब्लम आती है, कभी मतलब शॉर्ट लगता है, कभी कुछ पानी बना भी था लेकिन वो मतलब खराब है, मतलब सिस्टमेटिक तरीका से पानी जल्दी नहीं मिल पाता। हम लोग यहाँ पंप लगा है साइड में, वहाँ से कभी पानी लगा हम लोग पीते हैं, कभी कभी नहाने के लिए वहाँ से भी पानी लाते हैं, और खाना का तो खाना भी जैसे हम लोग को बोला गया था वो सही से मतलब खाना वो सिस्टमेटिक नहीं मिलता है। तमाम देख रहे हैं, तमाम जो छात्राएं हैं साफ तौर पर उनका आरोप है कि यहाँ पे बिजली की सुविधा जो है उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं है, पानी की जो सुविधा सबसे देखिए जरूरी जीने के लिए पानी जरूरी है, और यहाँ पे जो छात्रावास है, जो रहने के लिए कॉलेज है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था शुद्ध नहीं है। हालांकि जो सिस्टमेटिक कहा जाता है, बिहार सरकार लगातार दावे करती है कि छात्राओं के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम देख सकते हैं किस प्रकार जो छात्राएं काफी उग्र है, इनका साफ तौर पे कहना है कि ना पानी का व्यवस्था है, ना भोजन की व्यवस्था है, ना बिजली किसी चीज का व्यवस्था इस कॉलेज में नहीं है, ना जो शिक्षक होते हैं उनकी भी व्यवस्था नदारत है। यहाँ पे यहाँ के प्रचार भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि पूरे घटनाक्रम में छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, आपके इस कॉलेज में छात्राओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है, आखिर क्या पूरा मामला है बताइए? मामला बहुत पेचीदाई है जी। ये मामला जब से बिल्डिंग स्टार्ट हुआ, ये कॉलेज स्टार्ट हुआ, इसमें का दोनों समरसेबुल जला हुआ है, इमरजेंसी में यहाँ के SDH के जो है कनेक्शन बिजली का, उससे इसको चलाया जा रहा है, एक पेज के लाइट से चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि लोडेड अधिक नहीं ले पा रही है, बराबर शॉर्ट सर्किट, आग लगना, धुआं निकलना, इस तरह से बराबर इसमें इस बिल्डिंग में प्रॉब्लम होती रह रही है, जिसके कारण जो मोटर है, मोटर भी दोनों जला हुआ है, समरसेबल जो था मेस वाले जो चला रहे थे, एक हॉर्स का जो मोटर है वो चल रहा है, वो एनी टाइम चलते रहता है, तो कभी पानी चढ़ता है नहीं चढ़ता है। एक समरसेबल में मंगवाई हूँ, ये इसका शिकायत दोनों समरसेबल का मैं की थी सिविल सर्जन ऑफिस के पास से, तो एक बनकर आया हुआ, एक खुला था, एक बनकर आ गया है, तो जब तक बिजली का मेरा समाधान नहीं होता है तो समरसेबुल का लोड कैसे ले पाएगा वो मोटर, है कि नहीं? तो सबसे अगर गंभीर समस्या है तो बिजली का है, आरओ है, आरओ सभी फ्लोर पे है, आरओ वो सभी जाम हो चुके हैं, सभी का फिल्टर जाम हो चुका है, तो उनको भी फंड नहीं है कि मैं बनवा सकूं, है कि नहीं? दूसरी चीज़ें कि सबसे यदि इस बिल्डिंग में रहने के लिए, इस स्कूल को चलाने के लिए मुझे बिजली का शीघ्र अति शीघ्र बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस कारण से पढ़ाई लिखाई मेरा काम, बच्चों का रहन सहन हर चीज़ में बाधा आ रही है। खाने पीने को लेकर भी कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है यहाँ पे?
खाने पीने की थी तो वो सॉल्व आउट हो जाएगी। सॉल्व आउट हो जाएगी जी। इसको लेकर वरीय अधिकारी से आवेदन दिए हुए हैं? जी मैं वरीय अधिकारी से मैं आवेदन दी हूँ। स्कूल जब से कॉलेज शुरू हुआ है, जब से छात्र पढ़ रहे हैं, उस समय से बिजली की समस्या उत्पन्न है जी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ? विभाग में लेटर जा चुका है, ऊपर से भी सचिवालय से लेटर आ चुका है, अति शीघ्र इसमें कनेक्शन करने के लिए वहाँ से भी यहाँ कर्मचारी आए हुए थे, बिजली मिस्त्री, और मीटर लगाए भी और कबाड़ कभी लेकर चले गए मीटर को। वो बोल रहे हैं कि 40 मीटर केबल चाहिए, वायर चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो मैं उनसे बोली कि जो कुछ लगेगा उसको मुझे लिखित रूप में दीजिए और साइन और मोहर के साथ दीजिए। ये क्या मुझे खरीदना पड़ेगा या फिर आप जो टेंडर लिया है उनको खरीदना, किसको खरीदना पड़ेगा? तो वो लोग कुछ नहीं बोले, बोले कि ठेकेदार से बात कर लीजिएगा। मैं बोली कि ठेकेदार कौन है, उनको बोली, मैं तो जानती नहीं। तो उनको भेजने के लिए कभी आज तक ठेकेदार आए नहीं, ना ही उनका पता मिला, ना ही उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिला है। बिजली विभाग बोलते हैं कि अगर आपके पास टोटल मटेरियल रहेगा तो ही यहाँ पर 3 फेज का लाइट लग सकती है। तो मेरा कहना ये है कि जो 3 फेज के लाइट कनेक्ट करने में जो खर्च आ रही है, जो बता रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं है, इस चैम्बर नहीं है, चेंजर नहीं है, तो वो सब जो है, तो क्या मुझे परचेज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे उसका मुझे कुछ सलूशन नहीं निकल रहा है। कितने जब टोटल छात्र यहाँ पढ़ाई करते हैं? यहाँ पर 55 है। 55 पानी का व्यवस्था है, ना टाइम से जो शिक्षक है, 2 शिक्षक मौजूद है, काफी घोर लफड़ाई है। इस कॉलेज का उद्घाटन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, जो सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय के रहने वाले हैं, यानी इसी कॉलेज के क्षेत्र के रहने वाले हैं। उसके बावजूद भी इस कॉलेज का हाल यह है, तो और मेडिकल कॉलेजों का हाल क्या होगा, आप पता खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार जो छात्राओं द्वारा है, काफी उग्र प्रदर्शन किया गया था। तमाम अपने बातों सुना छात्राओं के द्वारा, क्या कुछ कहा जा रहा है, प्रिंसिपल जो उसके बात अपने सुना, उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। कई बार आवेदन दिए हुए हैं वरीय अधिकारी से लेकर जिलाधिकारी तक, लेकिन कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं।